नमस्कार, बोल जनता बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनिया। नमस्कार, आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बोल जनता बोल लेकर मैं हूं पूजा कवि। आज का सवाल युवाओं के लिए काफी खुशखबरी ला सकता है। दरअसल राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अगर बात की जाए तो अब जो भारत सरकार है उसे 15,000 रुपए करने की कोशिश कर रही है। खदान की बात की जाए, निर्माण की बात करें, ग्लास, फूड, टोपको और पॉलिशिंग जो ये उद्योग है, ये सारे काम ठेके पर होते हैं। इनसे जुड़ी सरकारी उपक्रमों में भी ये ठेका प्रथा लगातार जारी है। ऐसे में बेरोजगारी और अज्ञानता के चलते ठेकेदारों का प्रॉफिट हो जाएगा डबल। सरकार जिन क्षेत्रों में नियुक्तियां ही नहीं कर रही, ऐसे में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का फायदा आखिरकार मिलेगा किसको? सवाल दरअसल आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी है उसको अब कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए मिनिमम किया जाएगा। ऐसे में सवाल महज इतना बना हुआ है कि अगर बात की जाए, कई सारे विभाग ऐसे हैं जिनको सरकार साफ तौर पर ठेके पर दे देती है। ऐसे में क्या लगता है आपको, मजदूरों को क्या वाकई में पता होगा, क्या उनका जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर है वो इतनी है? वाकई में न्यूनतम मजदूरी दर का फायदा किसको मिलेगा? पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आपकी क्या राय है इस सवाल पर? मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। ये बीजेपी ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं उसमें अब तक ये जीरो साबित हो रही है, खासतौर से आर्थिक नीतियां बनाने में। जी हेलो। जी जी जी। अभी इन्होंने जो कल बजट की बात, कल आ रही थी जो ये बात की, उसमें जो है हॉस्पिटल का, सड़क स्वास्थ्य विभाग का और शिक्षा विभाग के बजट घटा रहे थे ये। और दूसरी तरफ जो ये आज इन्होंने जो ये इनका जो आ रहा है कि ये न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए करने की सोच रहे हैं, तो ये फैक्ट्री में कई ऐसे वर्कर होते हैं जिनकी जो वेजेज पर काम करते हैं, उनको तो ये वहां पे फैक्ट्री में लागू होता नहीं है। और ये अपने आप में घोषणा कर देते हैं कि हमने 15,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी। इनका सारा काम प्राइवेट सेक्टरों को दे रहे हैं ये। जी। दो चार महकमे बचे हैं गिने चुने, उनको उनमें तो ये सरकार, इनकी ये न्यूनतम मजदूरी इतनी है ही है, 15,000 के आसपास तो है ही है। जी। और जो ये लागू करें, ये ज्यादातर जो ये आप कह रहे हो कि फैक्ट्री वालों को या बिजनेस इनको फायदा होगा, तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठेके पर सारी जगह काम नहीं होता, वेजिंग पर भी काम होता है फैक्ट्रियों में। जी। तो वहां पर ये लागू कर ही नहीं पाते, तो सरकार ये सही इसमें पारदर्शिता नहीं ला पाती कि न्यूनतम मजदूरी 15,000 सरकार ने 8100 रुपए जो की थी न्यूनतम मजदूरी, अभी 8100 भी कई फैक्ट्री मालिक नहीं दे रहे। जी। उन्होंने आकर दबाव में ये कह दिया था कि इसमें जो फैक्ट्री मालिक है स्वतंत्र है, अगर वो इसको न्यूनतम मजदूरी 8100 रुपए करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल। जी सुशील जी, चलिए बेहद शुक्रिया। इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो मजदूरी करते हैं उनको पता नहीं होगा कि उनके मजदूरी का, अब अगर बात की जाए 15,000 जो अब नई नीति की सोच रही है सरकार, अगर वो हो जाते तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट फायदा जो ये ठेकेदार है उनको होगा। अगर ऐसे में ये मजदूरी इतनी न्यूनतम कर दी गई, 15,000 कर दी गई, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, आपको क्या लगता है? दीजिए राय। वाकई में राम सचदेवा जी हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राम सचदेवा जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गरीब बंदों के, मजदूरों के बारे में भी सोच रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। सवाल को लेकर क्या कहेंगे? ठेकेदारी सब कुछ करते हैं, ठेकेदारी फायदा उठाते हैं। एक कोई भी ठेका होता है, आपस में मिलकर ये बात कर लेते हैं, आपस में मिलकर ये वो कर लेते हैं। वहां तक तो अफसरों तक तो बात जाने भी नहीं देते, अफसरों तक वो टेंडर जो भी होता है, टेंडर जो भी लेते हैं, किसी भी महकमे का हो चाहे किसी भी हो, सारे मिलके एक दूसरे को पैसे देते, एक ही आदमी टेंडर खरीद लेता है। और आम गरीब आदमी की मुश्किल हो जाती है, मजदूर को बेचारे को क्या पता भी किसको क्या करना है, 15,000 में बताओ किसका क्या गुजारा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी आपका। तो सवाल आप लोगों के लिए बना हुआ है, आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय खुद इस पूरे मामले को लेकर संशोधन करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही राज्य की जो सरकार है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन सवाल महज इतना है क्या वाकई में इससे आम मजदूरों को फायदा मिल पाएगा या नहीं। अनिल अंकुश जी आप क्या कहेंगे? नमस्ते जी। मैडम ऐसे है कि पिछली सरकार के अंदर आपने देखा होगा दो तीन कुछ योजनाएं थी, मनरेगा स्कीम थी, इंदिरा आवास योजना थी। जी। आप ऐसा मानेंगे कि बिचौलियों से
जी उस पैसे को ही खा जाते थे। जिस गरीब को किसी को भी 70,000 में किसी को मकान के लिए नहीं मिले, जबकि 70,000 पर करवा ली जाते थे जी। तो दोस्तों की जो मजदूरी थी उसमें से भी लोग खा रहे, देखो पेट खाट करके भी जब लोग खा जाए तो उसमें ऊपर का आदमी क्या करेगा, कोई प्रधानमंत्री कलर क्या कर सकता है। इसलिए नैतिकता सबसे जरूरी चीज है कि आप अपना कमीशन ले लीजिए, कमीशन के बाद जो भी पैसा गरीब का बनता है गरीब को दे दीजिए, क्योंकि नैतिकता मर जाए तो वहां पर कुछ नहीं हो सकता। अगर मैडम ने एक बात कही थी मोदी ने, वो शायद पता नहीं होगा तो उस पर अमल करें या नहीं, कि उन्होंने कहा था कि मैं जो भी योजनाएं लागू करूंगा मैं स्वयं ये देखूंगा या मेरे आदमी इस बात की निगरानी करेंगे कि वो गरीब आदमी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये मेरा मतलब आपके माध्यम से पीएमओ को या प्राइम मिनिस्टर जी को अनुरोध है कि वो स्वयं ये मतलब उनके जो आदमी है देखें कि 15,000 रुपए उन गरीबों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि 15,000 में आपके दिन होता ही कुछ नहीं और उसमें से भी सारे के पैसे खा लिए जाए, ये मतलब नैतिकता लोगों को स्वयं अपने अंदर लानी पड़ेगी। राष्ट्रवाद नैतिकता जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। शिक्षा तो हमारी लिए मजबूरी है, अब बेचारे वो जितना पढ़ा लिखा अब वृद्धावस्था के लिए कैसे पढ़ेंगे, लेकिन नैतिकता तो हमारे लिए मजबूरी नहीं है। नैतिकता तो हम जा सकते हैं, देश हित तो अपने जा सकते हैं, मतलब देश के प्रति वफादार तो हम हो सकते हैं, ये चीज तो हम जा सकते हैं ना। शिक्षा चलो हम आगे इतने आदमी नहीं दे सकते, ये तो हमें स्वयं करनी है बातें। और मेरा अनुरोध है भारतवासियों से खासकर कविपैलियों से कि इतना बड़ा अन्याय मत करो, ढंग से अपना जख्म इतना उठा करके बाकी पैसा गरीब तक पहुंचने दो। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेहद शुक्रिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं मनरेगा और नरेगा की बात की जाए, वहां पर भी मजदूरों और सरकार के बीच अगर जो तालमेल था, कहीं ना कहीं बीच में जो वो ठेकेदार थे वो उसका प्रॉफिट उठाते थे। ऐसे में अब सरकार अब जो सोच रही है कहीं ना कहीं ठेकेदारों को ही इसका ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या इससे फायदा होगा वाकई में? दया किशन जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दया किशन जी सवाल को लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार। लेकिन न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए हो गई है, इसका सबसे ज्यादा असर किसान पर है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ती जाती है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने को तरसता रहता है। उद्योगपति कितनी ही मजदूरी बढ़ जाए अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद तय करेगा, लेकिन किसान उसकी मजदूरी देकर भी अपना माल का मूल्य खुद तय नहीं कर सकता। यह उच्चतम मूल्य पर बीज खरीद कर उनकी मजदूरी देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का नुकसान किसान को है। किसान बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दया किशन जी। किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान बताया इन दर्शक ने, ऐसे में सवाल महज इतना बना हुआ है जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने की बात कही जा रही है जिसके मुताबिक अब जो मिनिमम सैलरी हो जाएगी वो 15,000 रुपए हो जाएगी। वाकई में आपको लगता है जिस तरीके से भारत सरकार ये नए अधिनियम करने की कोशिश कर रही है ऐसे में जो आम मजदूर है उसको फायदा मिल पाएगा या महज ठेकेदारों को इस पूरे संशोधन में फायदा मिल सकता है? बिल्कुल इस मजदूरी का फायदा किसको मिलेगा आप क्या कहेंगे किशन जी? हेलो जी किशन जी, राय रखिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की बात तो की जा रही है, पिछली सरकार ने 8,200 रुपए की खरीदी थी, लेकिन उसका भी किसी कर्मचारी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा तो ये गया था कि 8,200 मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो है कहते तो साइन तो करवाए जाते हैं 8,200 के ऊपर, लेकिन ठीक है 4,000 रुपए तो उसका क्या फायदा, किसको लाभ हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने वेतन देना भी है तो उसे खाते में डाले जाए कर्मचारी के, अगर कैश देंगे तो साइन करवाएंगे, अगर चेक दिया जाएगा तो पूरी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, उससे पता चलेगा कि कर्मचारी की पेमेंट कितनी है, उसकी सैलरी कितनी। जी शुक्रिया। बिल्कुल इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है, बीच में जो ठेकेदार होते कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठा लेते हैं, अज्ञानता और बेरोजगारी के चलते ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है कि अगर मजदूरी 15,000 हो जाती है तो उसका फायदा किसे मिलेगा? वाकई में और साफ तौर पर उन्होंने एक और बात भी कही कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, साइन कुछ और करवाया जाते हैं और तनख्वाह लोगों को कुछ और दी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल केशव जी हमारे साथ जुड़े हैं, केशव जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चलिए केशव जी से संपर्क नहीं हुआ, केशव जी आप फिर से जुड़िएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है। रविंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम जी। नमस्कार
अच्छा मैम, मैं तो इस चीज को पॉजिटिवली देखता हूँ जी, बिल्कुल। मजदूरों के लिए अगर उन्होंने बढ़ा दिया है और फिक्स कर दिया अमाउंट, तो अब कुछ तो हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, लोगों को भी लेनी पड़ेगी, समझदारी उनको भी दिखानी पड़ेगी। वाकई में थोड़ा ठीक है नहीं, अब हम सब ने मिलके करना है ना। उन्होंने अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचा है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो गया कि मजदूर को जो है 500 रुपए रोज का मिलना है या 15,000 रुपए महीना मिलना है, तो अब ये चीज क्लियर हो गई है। अब समझदारी मजदूरों को भी दिखानी पड़ेगी, उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस आनी, अब उसको तो हम सब ने जागरूकता फैलानी है ना। इसमें क्रिटिसाइज करने का तो कोई मतलब नहीं है ना, नेगेटिव क्यों देखते हैं हम चीजों को, पॉजिटिव देखे। मजदूरों के हक की बात है, मजदूर कमजोर तबका है, उसको अगर 500 रुपए रोज का मिलता है, 15,000 रुपए महीना मिलता है, तो वो अपने काम के बदले में अवेयरनेस अगर उसको आ जाती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। देश में चीज अच्छी चीज है, बुरी चीज तो नहीं है ये। वाकई में सकारात्मक जरूर कदम है ये केंद्र सरकार का, लेकिन ऐसे में इस दौरान कई नकारात्मक पहलू भी सामने आ जाते हैं, और उसी को हमने सवाल के रूप में आप सभी को दिखाया है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा भी गया है कई बार, जितने भी चाहे सैलरी की बात कर ली जाए, चाहे जिस तरीके से बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार उसका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि जो आम मजदूर है वो इतना शिक्षित ही नहीं है, उसे इतना पता ही नहीं होता कि क्या कुछ उसके लिए नई नीतियां लाई गई हैं। राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें तो देखी गई में सैलरी दी जा रही है जी। जी राजेंद्र, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, आप दोबारा जोड़ सकते हैं राजेंद्र, अपनी बात रख सकते हैं। तो सवाल इसी पर है, राष्ट्रीय न्यूनतम जो मजदूरी है ये बढ़ाने जा रही है सरकार, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका फायदा किसको होगा? पीछे देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मजदूरी रखी गई थी 8200, वो कहीं ना कहीं उसमें जो ठेकेदार थे वो यहाँ पर अपना फायदा निकाल लेते थे। फिलहाल एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप क्या कहेंगे सर? हेलो जी, सुमेर सिंह जी। हाँ जी, रखिए राय। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बढ़ाई है मजदूरी, इसका ज्यादातर फायदा ये जो है ठेकेदार उठाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी में जो मजदूर जाता है ठेकेदार के पास, उसको बोलते हैं कि इसको 5,000 रुपए मिलेंगे, उसकी मजबूरी है नहीं करेगा वो, तो फिर वो उसको और मिल जाता है। इस वजह से बेरोजगारी की वजह से मेन कहानी हो रही है, ताकि ठेकेदार पर अंकुश किया जाए ना जी, तो इससे थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है मजदूरों को। मजदूरों को ज्ञान तो है, लेकिन बेरोजगारी जो है उसकी वजह से सारी समस्या आ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसकी मजदूरी को देखा जाता है, जो ठेकेदार होते हैं उसकी मजदूरी को देखते हुए इसे काम पर रखते हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। ऐसे में अब सरकार ने ये बढ़ाई तो है, लेकिन इसका फायदा किसको होगा, इसी पर आज का सवाल है, आप अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन लाने की बात की जा रही है और 15,000 रुपये मिनिमम सैलरी करने की बात जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से आई है। हालांकि अभी बहुत समय लग जाएगा इसको लागू होने में, लेकिन एक पहल यहां पर की जा रही है कि 15,000 रुपये मिनिमम सैलरी होगी, चाहे हम बात करें औपचारिक क्षेत्रों की चाहे अनौपचारिक क्षेत्रों की। ऐसे में आम लोगों को क्या लगता है, सैलरी बढ़ जाएगी क्या वाकई में, जो मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं उनको इसका फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं? राम सचदेवा जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। राम सचदेवा जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप जैसे गरीबों की किसानों की हर चीज की वो कर रहे हैं, मैं ये सबूत दे सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ सबूत दे सकता हूँ कि भाई एक किसी भी छोटी बात का टेंडर होता है तो टेंडर ही मतलब दूसरे उसको ठेकेदारों को दूसरे मजदूरों को दूसरे मतलब ठेकेदारों को पैसे दे के एक ही मतलब टेंडर ले लेते हैं, एक ही वो करते हैं। और आम गरीब आदमी के जब से सरकार बनी है कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना कभी, और मैं इस चीज के सबूत दे सकता हूँ आपको कि भाई टेंडर कैसे बिकते हैं, ये ठेकेदार ही पैसे आज कमा रहे हैं, आज ठेकेदार ही मतलब हर चीज को वो कर सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम सिरदेवा जी आपका, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं जो टेंडर दिए जाते हैं उसमें भी कई बार बहुत बड़ी तादाद में धांधली घपलेबाजी के मामले सामने आते हैं और ठेकेदार कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी होते हैं। शालिन कुमार जी आपकी क्या राय है? मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये सरकार ने ये सिस्टम शुरू किया है मैम, इसका फायदा मजदूरों को भी मिलेगा। मैम यही राय है कि इसका फायदा जो मजदूरों को भी मिलेगा। जी किस तरह से लगता है आपको फायदा मिलेगा ये बताइए। मैम ये जो पहले ठेका पर था इसके 81,000 रुपए थे और मैम ये बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए। चलिए बेहद शुक्रिया, हो सकती है 15,000। फिलहाल सरकार ये सोच रही है कि जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी है वो 15,000 करने पर फिलहाल विचार कर रही है, तो ऐसे में अगर ये कर दिया जाता है इसका डायरेक्ट फायदा क्या मजदूरों को मिल पाएगा ये सवाल है। रणवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर जी आप बताइए। रणवीर जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर आप। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये घोषणाएं हैं और ये घोषणाएं ये मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती है, इसमें बीच में ठेकेदार होते हैं, लिमिटेड कंपनियां वो अपने हिसाब से काम करती है। सरकार को चाहिए कि ये इस बात पर जोर दे कि ये जो ये लागू होते हैं नियम ये नीचे तक पहुंचे, लेकिन नीचे वाले मजदूर को तो इसका बेनिफिट कभी होता नहीं। बार बार ये तो घोषणा होती रहती है मजदूरी न्यूनतम इतनी होगी इतनी न्यूनतम करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल जहां पर पहुंचना चाहिए वहां तक कभी भी आज तक ना पहुंचे है, ना आगे कोई ऐसी उम्मीद है कि वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी आपका। तो बिल्कुल जो हम एक्चुअल परिस्थिति की बात करते हैं वो इन्होंने साफ तौर पर कही कि कई बार ऐसा ही देखा जाता है, नीतियां बन जाती हैं, योजनाएं कई बन जाती है, बहुत अच्छी पहल की जाती है सरकारों की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जो फायदा आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो उनको नहीं पहुंच पाता। इसी कड़ी में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को अब 15,000 रुपए करने की बात कही जा रही है कि मिनिमम 15,000 रुपए सैलरी रखी जाएगी। क्या वाकई में आपको लगता है ठेकेदार प्रथा की हम बात करते हैं ऐसे में जब ठेकेदार फायदा उठा लेंगे तो वाकई में मजदूरों को इसका फायदा मिल पाएगा या फिर? बिल्कुल राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? राजेंद्र जी लगता है संपर्क नहीं हो पाया, तो जिस तरह से बात करें यहां पर अब सरकार की तरफ से एक ये नई नीति पर विचार किया जा रहा है इससे कितना फायदा होगा आप क्या कहेंगे? हेलो जी स्वराज जी क्या कहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीतियाँ तो पहले भी सरकार की बड़ी अच्छी हैं पर इम्प्लीमेंटेशन कभी भी इनकी सही नहीं होती, ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी आती है। ठेकेदार कहता है मैंने एफडीओ को पैसे देने हैं, मैंने ओवरसीयर को पैसे देने हैं, मैंने एक्सिम को पैसे देने हैं, एक्सिम कहते हैं मैंने ऊपर मिनिस्टर को देने हैं। तो ठेकेदार कई बार जो ब्लैकलिस्टेड भी हो जाते हैं ना तो वो फिर अपने लड़कों को नाम से ठेके ले लेते हैं। ये टेंडर पहले ही अंदर इनको पता होता है किसको देने हैं और फिर क्या करते हैं कि जब इन्होंने ऊपर साफ साफ के हिस्से बटे हुए हैं तो मजदूर बेचारे को तो कुछ नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट 15,000 रुपए कर देती है तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये भी निश्चित करे कि उस मजदूर को 15,000 रुपए मिलने ही चाहिए। आप मजदूरों की बात तो कर रहे हो लेकिन जो छोटे छोटे टीचर स्कूलों में काम करते हैं प्राइवेट स्कूलों में 3,000-3,000 रुपए 5,000-5,000 में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको कोई नहीं पूछता, वहां पे इतनी एक्सप्लॉइटेशन होती है कुछ कहने की हद नहीं है। साइन करवाएंगे 15,000 रुपए देते 8,000 है, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि मजदूरों की तो बात आप क्या करते हैं। ये कुछ ना कुछ सुधार तो होना ही चाहिए, जब तक पनिशमेंट नहीं होगी कोई सुधार नहीं होगा। जी चलिए बेहद शुक्रिया स्वराज जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बात करें मजदूरों के पास वो पैसा जितनी राशि यहाँ पर तय की जाती है वो नहीं पहुंच पाती, ठेकेदार कुछ ना कुछ उसमें से नॉन्स एंड ड्यूज काट ही लेते, तो ऐसे में अब अगर बात की जाए किस तरह से मजदूरों को उसका फायदा होगा आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ ठेकेदारों को फायदा होगा या फिर मजदूरों को भी इससे कुछ फायदा होगा? वाकई में चाहे हम माइनिंग की बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले या फिर बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर ले, हालांकि प्राइवेट सेक्टर्स पर हम नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर ले जिनको टेंडर दिया जाता है, जो ठेके पर काम करवाया जाता है, जहां पर ऐसे में अक्सर यही देखा जाता है कि डबल प्रॉफिट ठेकेदार को पहुंचता है क्योंकि जो कुशल कारीगर होते हैं जो मजदूर होते हैं उनको उनकी असली जो सैलरी है वो पता ही नहीं होती, जिनके जितने पैसे उनके हाथों में थमा दिए जाते हैं वो महज उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में
सरकार की तरफ से नई जो नीति लाने की कोशिश की जा रही है, वाकई में उसका फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं? राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जी बताइए। मैम ये जो न्यूनतम मजदूरी बता रहे हैं 15,000 रुपए होनी चाहिए, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है जी, चाहे 20 भी हो, तो इसमें ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए जी। पूरे भारत में ठेकेदारी प्रथा जिस दिन खत्म हो जाएगी, चाहे सैलरी 5,000 रुपए है तो बंदा गुजारा कर सकता है कंपनी बेस पे जी। जी ठेकेदार होता है तो सैलरी कुछ सरकार कुछ घोषित कुछ और करती है, ठेकेदार कुछ मजदूर को सैलरी कुछ और देता है जी, इससे गुजारा नहीं होता है। और कंपनी ने ये भी सिस्टम कर रखा है ठेकेदारी में, ने ड्यूटी कराते हैं उसके बाद फिर ब्रेक डालते हैं 10 दिन की 20 दिन की 6 महीने की 3 महीने की, तो इससे बंदे को रेगुलर रोजगार नहीं मिलता जी। ये मेरी राय ये है कि पूरे भारत के अंदर मोदी जी सरकार ये ठेकेदारी बिल्कुल प्रथा बिल्कुल खत्म कर दे जी कंपनियों में। मैंने ITI कर रखी है जी, टर्नर से जी, और अप्रेंटिस कर रखे जी एस्कॉर्ट कंपनी से, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कंपनी में निकाल दिया जी, उसके बाद 2 साल स्वराज में किया है ठेकेदारी रोल पे काम जी। तो कंपनी ने परमानेंट तो कहाँ करना था जी, उसके बाद कोई भी कंपनी और एज की लिमिट रखी है 25 साल के बाद कंपनी ट्रेनिंग भी नहीं लेती किसी को भी, तो मेरी राय है कि ठेकेदारी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो इनकी राय में ठेकेदारी प्रथा को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार की वजह से ही जो आम मजदूर होते हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता। छोटा सा उदाहरण अगर हम आप लोगों के साथ साझा करें, घर में कई बार लोग काम करवाते हैं ऐसे में ठेके पर दे देते हैं, लेकिन वहां भी कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां नजर आती हैं, जो आपके घरों में लेबर काम कर रही होती है उन्हें उनका वेतन भत्ता उतना मिल ही नहीं पाता जितने की बात होती है, क्योंकि बीच में ठेकेदार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से घपलेबाजी कर देते हैं। ऐसे में जो केंद्र सरकार बात कह रही है और नई योजना लाने की बात कर रही है, संशोधन की माफ कीजिएगा बात कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस संशोधन करने से आम मजदूर को फायदा मिलेगा या महज ठेकेदार को डबल प्रॉफिट होगा? बिल्कुल, बदलाव करने से क्या फायदा होगा यहाँ पर मजदूरों को, जिसके लिए यहाँ पर सरकार उन्हीं के लिए नियम बनाने जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए इसका डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं, पहले भी अब मामले सामने आते थे ठेकेदार ही बीच में कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले लेते थे, तो ऐसे में चाहे सरकारी कामकाज हो, वो निर्माण का हो या फिर खानों का काम हो, ऐसे में मजदूरों को उस चीज का पता ही नहीं चलता कि आखिरकार उनकी मजदूरी है क्या वाकई में। और यहाँ पर जागरूक रहने की जो जरूरत है वो आम लोगों को भी है, चाहे वो मजदूर तबका हो, बेरोजगार वर्ग हो, युवा वर्ग हो, आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर सरकार कुछ संशोधन लाती है, नई नीतियां लाती है, तो आपको उस बारे में अवगत रहना चाहिए, तभी आपका पूर्ण तरीके से आप लोगों को पता चल पाएगा और उसका जो फायदा है वो आप लोगों तक मिल जाएगा, वरना इसी तरीके से बिचौलिया और ठेकेदार फायदा उठाते रहेंगे और आप लोगों को हमेशा निराशा हाथ लगती नजर आएगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम दोनों के साथ इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।